नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एटीचेट। राजस्थान में फंसे मजदूरों को वापस लाया गया। सकुशल घर वापस लौटने पर मजदूरों ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद। प्रदेश के कुछ मजदूर काम की तलाश में राजस्थान गए थे, वहां मजदूरी कर रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, जिसके कारण यह मजदूर वहां पर ही रुकने को मजबूर थे। ये अपने घर वापस नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इनके बारे में सोचते हुए प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों को उनके घर वापस लाने के लिए व्यवस्थाएं की गयी। शिवपुरी से राजस्थान के सवाई माधोपुर में फंसे मजदूरों को लाने के लिए बसें भेजी गयी और शनिवार की रात ये सभी शिवपुरी पहुंचे, जहां से इन्हें अपने अपने जिले में रवाना किया गया। पोहरी एसडीएम पल्लवी वैद्य ने बताया है कि शिवपुरी जिला प्रशासन द्वारा यहां पोहरी के आईटीआई में मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है और सभी को बसों से उनके घर के लिए रवाना किया गया है। सकुशल घर वापस लौटने पर मजदूरों ने कहा कि हमें हमारे घर तक लाने के लिए हमारी प्रदेश सरकार और शिवपुरी जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई है। विदिशा के रहने वाले अजहर कुरैसी ने बताया है कि वह मजदूरी के लिए राजस्थान गए थे। लॉकडाउन के दौरान वह वापस आ रहे थे, तब सवाई माधोपुर में उन्हें रोका गया, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हम मजदूरों के बारे में सोचा और हमें हमारे घर तक पहुंचाया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समाचार डिजाइट के लिए शिवपुरी से साबिर खान की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम अजहर कुरैसी है, मैं विदिशा जिले का रहने वाला हूँ। जी, मैं जयपुर में सब्जी का काम करता था, जो लॉकडाउन होने से वहाँ पे ही रुक गया था। जो रास्ते में सवाई माधोपुर के पास में ये शिवपुरी की गवर्नमेंट और पौरी की गवर्नमेंट ने बसें भेजकर वहाँ से मुझे निकाला है और यहाँ पे शिवपुरी में लाकर खाना वगैरह सब अच्छे से खिलाया गया। तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आज उनकी वजह से मैं मेरे घर वालों को मिलूँगा। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी।